The saffron parties of India are taking a stand. Their stand is revealed by this tweet. BJP for India on the Twitter says, देश अब 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है. 2047 में हमारे आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे. हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, नए स्टैंडर्ड और न्यू बेंचमार्क्स को घड़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है. उसमें लिखा है पीएम और उसमें हैशटैग दिया है नरेंद्र मोदी. ये उसका पर्सनल हैशटैग है, पर्सनल ट्विटर अकाउंट है. तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका ऑफिशियली अकाउंट अलग होगा, ये बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट है. तो ये आपको क्या बोल रहा है, बढ़ना ही है. बढ़ना ही है का मतलब है कि आपको करना ही है. आपको कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जैसा हम बोले वैसे ही आपको करना है. तो ये डेमोक्रेसी नहीं है. ये हमसे पूछ नहीं रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, कि भाई 100 साल हो जाएंगे, 100 साल में अभी 26 साल हैं, हम तो मर चुके होंगे, 26 साल इतना कौन जिएगा. और जो बच्चे हैं वो बूढ़े होने आएंगे, या तो उसकी अपनी आयु में 50 साल में पहुंचेंगे. तो ये जो आप किसके लिए ये करना चाह रहे हैं, आज से एक या दो पीढ़ी के बाद की आप सोच रहे हैं. हम लोगों ने आपको 5 साल का मैंडेट दिया है कि भाई 5 साल के लिए हमें जो चाहिए था ये चीज़ है वो आपको करके देनी है. वो तो कुछ किया नहीं है और आपको अब हम लोगों को बोल रहे हैं कि नए संकल्पों को. भाई हमने कब आपको मैंडेट दिया, किस संकल्प का हमने मैंडेट दिया? आप खुद ही अपने आप संकल्प करते हैं और खुद ही अपने आप बोलते हैं लोगों को कि आप इस आगे बढ़ना ही है. अरे भाई नए पैमाने, नए स्टैंडर्ड, न्यू बेंचमार्क, नए मानकों किस चीज़ के लिए, जब हम रहेंगे ही नहीं, जब आपका कार्यकाल रहेगा ही नहीं. 5 साल का मैंडेट होता है, 5 साल में आपकी सत्ता पूरी हो जाती है. तो आप कोई बंधारण में चेंज तो नहीं कर सकते, आप पॉलिसी ज़्यादा कुछ बदल नहीं सकते, आप डेमोक्रेसी को डिल्यूट नहीं कर सकते. तो आपको करना क्या है, आपको 5 साल के लिए लोगों ने किस चीज़ के लिए आपको चुना था, उस चीज़ को, लोगों की आकांक्षा को, आज के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना है. इसके सिवा और कुछ मैंडेट है ही नहीं आपको. आपके मन में कुछ सपना होता है लेकिन वो सपना हमारे पे लादने का आपको कोई अधिकार है ही नहीं. आप देख लीजिए ना, आपको वोटिंग क्यों दिया जाता है? आपको वोटिंग इसलिए दिया जाता है कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाएगा और हमने जो उसको मैंडेट दिया है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है और वो काम नहीं करना है. तो वो तो आपने कुछ करना ही नहीं. पार्टी को ऐसे लग रहा है कि वो भारत की राजा बन गई, वो भारत अपने हिसाब से चलाएगी. ऐसे थोड़ी होता है. ये जो आज़ादी दी वो देसी राजा को भी आज़ादी थी, उसके उसकी प्रजा तो पूर्ण स्वतंत्र थी. उसका तो सिर्फ राजा ने ही 100 जीन को स्वीकारा था, वो लोग तो पूर्ण स्वतंत्र थे. और ब्रिटिश इंडिया जो है उसको आज़ादी दी गई है. तो सबको आज़ादी नहीं, वो देसी राजा के लोग तो आज़ाद थे ही. तो ये समझने वाली बात है कि आज़ादी हम क्या कह रहे हैं, क्या हमारा सोर्जिन कौन है? कहीं बंधारण में लिखा है, वो बंधारण के आमुख में लिखा है, लेकिन आमुख वो पाठ नहीं है, पाठ होते हुए भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा ने चेंज कर दिया. तो ये समझने वाली बात है कि ये पार्टियां अपने आप को क्या समझती है और अपनी जो इच्छाएं है लोगों पे थोपती है, ये गलत है.